तो जय सियाराम, फिर स्वागत करते हैं गाइज आपका एक और न्यू ईयर ताज़ा वीडियो में। तो गाइज आपको आगे बढ़ने से पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी को आप पढ़ लें। तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएई के बारे में। हम आपको इसके मैच का लेखा चोखा बताएंगे कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा इस मैच में, और हम बात करेंगे हर एक प्लेयरों के वो भी राशियों और ग्रहों के अनुसार। ये प्रेडिक्शन कोई भी आपको वैसा मैच प्रेडिक्शन होगा और ये राशियों के अनुसार सारा का सारा प्रेडिक्शन होगा। ये कोई पिच रिपोर्ट से, ग्राउंड की पिच से प्रेडिक्शन नहीं होगा, ना ही ये पिच से होगा। ये होगा ओनली ऑन गाइस सिर्फ और सिर्फ राशि और ग्रहों के अनुसार होगा सारा का सारा प्रेडिक्शन। तो चलो गाइस अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वेस्ट इंडीज टीम के बारे में कि आपको इस टीम में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो हम आपको अच्छे खिलाड़ियों के बारे में बता देते हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस टीम में से। तो सबसे पहले नाम आता है वेस्ट इंडीज़ में इस मैच में, ओडीआई मैच में, एस ब्रूक्स का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा इस मैच में। एस ब्रूक्स के साथ साथ अगले खिलाड़ी हैं गाइस रोस्टन चेज्स, इनका भी बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। इनके राशियों के आंकड़ों, ग्रहों के आंकड़े कुछ ऐसे बने हुए हैं, एक एस ब्रूक्स और दूसरा है एक और वो हैं रोस्टन चेज्स। इन दोनों खिलाड़ियों का लगभग बढ़िया प्रदर्शन रहेगा राशियों और ग्रहों के अनुसार। इसी के साथ साथ गाइस अगले खिलाड़ी हैं से होप, अगर इनको बारी मिली आज के मैच में ऐसा लग भी रहा है कि इनकी बारी आज अवश्य आएगी। इनका भी राशियों और ग्रहों के अनुसार बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा और राशियों और ग्रहों के आंकड़े कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि से होप का भी बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। अगर इनकी बारी आई तो वैसा लग भी रहा है इनकी बारी आएगी, इनका बढ़िया प्रदर्शन रहेगा से होप का, इनके कप्तान वेस्ट इंडीज़ के। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम यूएई के बारे में। इनकी तरफ से आपको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एम वसीम का इनके कप्तान है, डब्लू वसीम है, एम वसीम है, लेकिन ये पक्का नहीं पता, लेकिन इनके कप्तान का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा इस मैच में। तो गाइज इनके कप्तान हैं एम वसीम, और एम वसीम पिछले दो मैचों में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज इनकी राशियों और ग्रहों के आंकड़े बहुत अच्छे बने हुए हैं और अपनी टीम को के लिए आज ये एक सामान्यजनक स्कोर खड़ा करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया स्कोर बनाएंगे अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी आज के दिन ये इस मैच में एम वसीम इनके कप्तान यूएई के। और इनके अगले खिलाड़ी हैं यूएई के जिनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, रोहन मुस्तफ़ा। इनके भी राशियों के आंकड़े कुछ अच्छे बने हुए हैं आज के दिन, लगभग बीच का प्रदर्शन रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, बीच का प्रदर्शन रहेगा आर मुस्तफ़ा का। तो चलो अब हम उन प्लेयरों के बारे में बात कर लेते हैं जिन प्लेयरों के का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है गाइस, जिसको आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना और बहुत ही कीमती आधा अधूरा ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। इस मैच में आपको वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बी किंग का लगभग बीच से कम का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ऐसे राशियों के आंकड़े कह रहे हैं। तो इस मैच में गाइस वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बी किंग का लगभग बीच से कम का प्रदर्शन रहेगा आज के दिन, ये ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे अपनी टीम के लिए इस मैच में बी किंग। इसके साथ साथ मैं अगर दूसरी टीम की बात करूं यूएई की, तो लगभग बीच से कम बीच का प्रदर्शन रहेगा इन खिलाड़ियों का, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा ना ही ज़्यादा बुरा रहेगा, पूरा बीच का अगर लग रहा है इनका रहेगा, ए नसीर, ए खान और जैड खान, इन तीनों खिलाड़ी का। एक बार फिर से मैं आपको नाम दोहरा देता हूँ, ए नसीर, ए खान और जैड खान, इन तीनों खिलाड़ियों का ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और ना ही ज़्यादा बुरा रहेगा, लगभग इनका बीच का प्रदर्शन रहेगा, मध्य प्रदर्शन रहेगा आज के दिन इस मैच में। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपको लगभग बीच का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ना ही ज़्यादा बुरा होगा, लगभग बीच से थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है होगा ही नहीं, क्या पता हो भी जाए, लेकिन राशि तो कह रही हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। वो खिलाड़ी हैं डी ड्रेक्स, इनका बॉलिंग में आज के दिन विकेट मुश्किल ही प्राप्त होगी, एक प्राप्त होगी, दो प्राप्त होगी, ज़्यादा प्राप्त नहीं होगी। इसी के साथ साथ वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, धन्यवाद।